प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पार्टी की नेता प्रज्ञा ठाकुर के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान पर नाराजगी जताई है। शुक्रवार को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जो बयान आया है वह पूरी तरह निंदनीय और अस्वीकार्य है। साध्वी प्रज्ञा बयान मामले में खुद पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने लिखा, विगत दो दिनों में अनंत कुमार हेगड़े, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और नलिन कटिल के जो बयान आए हैं वो उनके निजी बयान हैं। उन बयानों से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। इन लोगों ने अपने बयान वापस लिए हैं और माफ़ी भी मांगी है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर उनके राज्य में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो वे इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देंगे। डेक्कन क्रॉनिकल की खबर के मुताबिक एक बयान में अमरिंदर सिंह ने कहा, इस लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाती है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा और इस्तीफा दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज शारदा चिट फंड मामले में अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें उसने कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को गिरफ्तारी से छूट दी थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ों में 6 आतंकवादी मारे गए, वहीं एक जवान शहीद हो गया और एक आम नागरिक की भी जान चली गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिर्जापुर में रोड शो किया। इसके बाद चुनाव रैली में लोगों से कहा, आप समझ लीजिए कि आपने दुनिया के सबसे बड़े अभिनेता को प्रधानमंत्री बना दिया है। वह उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे अच्छा तो आप अमिताभ बच्चन को ही प्रधानमंत्री बना देते। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आज बड़ा बयान दिया है। इसमें उन्होंने चुनाव बाद त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में विपक्षी गठबंधन सरकार की संभावना मजबूत करने के मकसद से प्रधानमंत्री पद पर कांग्रेस का दावा छोड़ने का संकेत दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में F-16 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आई है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक मार्च एयर रिजर्व बेस के पास यह दुर्घटना घटित हुई। हालांकि इसमें पायलट सहित किसी के हताहत होने की अब तक सूचना नहीं मिली है। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने कहा है, आतंकी हर धर्म में होते हैं, हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमने ऐसा नहीं किया। इतिहास आपको दिखाता है कि अतिवादी सभी धर्मों में होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को चीन को शीघ्र ही व्यापार युद्ध को लेकर समझौता करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि चीन ने अभी समझौता नहीं किया तो मेरे दूसरे कार्यकाल में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एम्पायर।